अभी आज हम देखेंगे अभी मैजिकल हेल्थ, मैजिकल हेल्थ, हेल्थ मैजिक का ना जादुई स्वास्थ्य आज हमारा टॉपिक है। हम आज तीन टॉपिक कवर करेंगे, उसमें जादुई स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसा बोला जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, इफ यू आर हेल्दी यू आर वेल्दी। तो फिर उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना क्या है? देखो सी, हमारे स्वास्थ्य जो है ना उसके लिए थैंकफुल नहीं है। स्वास्थ्य जो है, योर हेल्थ, इट इज अ गिफ्ट। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है, इट इज अ गिफ्ट, राइट? और यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। यू हैव टू बी वेरी थैंकफुल टू व्हाट एवर हेल्थ यू हैव। याद रखे, जिसके पास भी कृतज्ञता है स्वास्थ्य के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सभी उससे ले लिया जाएगा। सी, वी आर नॉट थैंकफुल टू अवर हेल्थ। हम हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही थैंकफुल नहीं है, हमको उसकी कीमत नहीं है। देखो, हमको एक दांत समझो दर्द करता है ना, दांत दर्द करता है, बाद में हमको उसकी कीमत मालूम पड़ती है कि अरे उसकी कितनी कीमत है। हमारा जब सर दर्द करता है तो मालूम पड़ता है, अरे यार कितना कितना मैं प्रॉब्लमेटिक हूँ, मुझे सर दर्द हो रहा है। या मुझे अभी मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम, सपोज नाउ लाइक यू हैव स्कूल एट 8 o'clock और 8:30 और वट एवर, एंड देन यू हैव गॉट लूज मोशन, देन व्हाट विल डू? तब मालूम पड़ता है कि अरे बिकॉज ऑफ लूज मोशन आई कांट गो आउट, आई हैव टू बी देयर इन द हाउस। आपको पता नहीं है कि आपका फिटनेस जो है, आपका स्वास्थ्य जो है, वो आपको आपका जीवन जो है वो कितना अच्छा चलने देता है। आप एक्सप्रेस जो है ना आपके स्वास्थ्य से करते हैं। आपको हाथ की कीमत मालूम नहीं है कि आपके हाथ की कीमत क्या है, आपको पैर की कीमत मालूम नहीं है आपके पैर की कीमत क्या है। आप देखते हो, आप सुनते हो, है ना, सांस लेते हो, सुनते हो उसे, है ना, फिर आप टेस्ट लेते हो, आपको पता ही नहीं। अभी आपको मालूम है कि कोरोना के काल में कितने लोगों ने अपनी टेस्ट गंवा दिया, उनको भी खाने में मजा ही नहीं आया, नाक से उनको अभी उनको कुछ स्वाद नहीं आ रहा है। नाक का जो है ना कुछ गंध रहता है ना, नाक का गंध, वो गंध भी नहीं आ रहा है, मुंह का स्वाद भी नहीं है। तो ऐसा काफी लोगों को प्रॉब्लमेटिक होगी। कितने लोगों को आंखें नहीं, आपको मालूम है, कल मैं देख रहा था करीब करीब 1.5 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे है कि जो बात नहीं कर सकते, ठीक तरह से बात नहीं कर पा रहे, 1.5 करोड़ लोग। उनको बात करते हैं हमको उसकी कीमत नहीं है। हमारे पास में जो भी स्वास्थ्य है उसकी हमको कोई कीमत नहीं रहती है। जब आपको निकल जाता है तो कीमत रहती है। आपको मालूम है कि आपके पैर है तो आप घूम सकते हैं। कितने लोग ऐसे कि जिनको पैर भी नहीं, कितने लोग ऐसे कि जिनको हाथ नहीं, कितने लोग ऐसे कि जिनको आंखों से दिखता नहीं है, अंधे है, बहरे है, मुके है, मगर जब तक हमारे पास में वो है उसकी हमको कीमत नहीं रहती। हमको क्या करना है कि जो हमारे पास में है उसके लिए हमको पहले थैंकफुल होना पड़ता है कि नहीं ये मेरे लिए है, थैंक यू वेरी मच। मगर हम उसके लिए थैंक यू रहते नहीं है। तो हमको थैंक यू रहना है व्हाट एवर यू हैव गॉट। कि भाई मैं मेरे हाथ को धन्यवाद देता हूँ, मैं मेरे हाथ से मैं खाना खाता हूँ, मैं हाथ से कितने सारे काम करता हूँ। मेरे हाथ नहीं रहे तो मेरा कैसा कैसा लाइफ चलेगा, मेरा हाउ माई लाइफ विल बी अबाउट। मेरे पैर नहीं है, पैर से मैं अभी सवेरे उठा, बेड से उठने के बाद में मुझे बाथरूम जाना है तो मेरे पैर मुझे लेके जाते हैं बाथरूम में। मैं बाहर आता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट के लिए टेबल की तरफ जाता हूँ तो मुझे पैर मुझे लेके जाते हैं टेबल की तरफ। मैं स्नान करने जाता हूँ बाथरूम में तो फिर मुझे पैर लेके जाते हैं। मैं बाहर जाता हूँ तो पैर, मैं कार चलाता हूँ, मेरी गाड़ी चलाता हूँ तो पैर मुझे लेके जाते हैं। तो ये कितना सारा पैर का है मतलब काम होता है। हमारी आंखें, यदि आप देखो 1 घंटा आप क्या करो कि आपके आंख के ऊपर पट्टी लगाओ, 1 घंटा आपके आंख के ऊपर आप पट्टी लगाओ, देखो कितना हॉरिबल हो जाएगा, आपको जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। हमको ये पता ही नहीं है। जब रहता है ना, हम हरदम ऐसे बोलते हैं ना कि व्यक्ति की कीमत या जो भी आपके पास में है उसकी कीमत तब तक मालूम नहीं होती जब तक आपके पास में वो है। जब नहीं रहता है तो उसकी कीमत मालूम पड़ती है। आज आपको क्या करना है, आज आपको आपके स्वास्थ्य के लिए थैंकफुल रहना है, स्वास्थ्य के लिए थैंकफुल रहना है, ईच एंड एवरी ऑर्गन। आपको मालूम है कि कितने सारे लोग उनको पेशाब होती नहीं है, और पेशाब होती नहीं है तो नली डाल के पेशाब बाहर निकालना पड़ता है। कितने सारे लोग ऐसा होता है कि उनको याददाश्त नहीं, याद ही नहीं रहता, उन मालूम ही नहीं कि आप कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे, क्या खाया क्या पिया, उनकी याददाश्त चली गई। हमको कितना सारा ऊपर वाले ने दिया हुआ है,
और उसको हम थैंकफुल नहीं है। हमको हमारे हेल्थ के बारे में थैंकफुल रहना है, और उसके लिए हर ऑर्गन के लिए, हर पार्ट के लिए, है ना, तो हमको थैंकफुल रहना है। सो आई एम थैंकफुल फॉर माई गुड हेल्थ। यस, सो जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटिट्यूड आपको रहता है, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। वॉट एवर हेल्थ यू हैव, इफ यू आर थैंकफुल टू दैट हेल्थ, वॉट एवर जो भी आपके पास में है, उसके लिए यदि आपको थैंकफुल है, तो क्या होगा, जो आपका स्वास्थ्य है अभी, जो आपकी हेल्थ है, वो कायम रहे और अच्छे अच्छे हेल्थ हो रही है, विल बी मोर एंड मोर बेटर एंड बेटर एवरी डे। हेल्थ आपकी रोज के रोज 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 चलेगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो है आज, उसके लिए आपको धन्यवाद देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि कृतज्ञता, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड एक वैक्सीन है, एक विषय है, एक रोगाणु रोधक है, एक वैक्सीन है वो, है ना। और वो वैक्सीन, यदि हम कृतज्ञता का वैक्सीन लगाते रहते हैं, रोज लगाते रहते हैं, तो हमें बहुत अच्छी जिंदगी मिल सकती है। आपको आज से क्या करना है, आपको आज से रेगुलर एक्सरसाइज करना है, हर पार्ट को आपको धन्यवाद देना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। सो यू हैव टू एक्सरसाइज एवरी डे, आइदर प्ले गेम्स और डू एक्सरसाइज, नंबर वन। नंबर टू, यू हैव टू ईट गुड फूड, गुड हेल्दी फूड विच कंटेन्स फ्रूट्स, ज्यादा से ज्यादा फल है ना, प्रोटीन्स है, वो ज्यादा आपको खाने का है, प्रोटीन्स और फल फ्रूट ज्यादा खाने का है, जिससे आपको बहुत ताकत मिलेगी और बैलेंस डाइट खाने का है। हम क्या करते हैं, बचपन में हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जंक फूड, मैगी नूडल्स है, फिर पिज्जा है, फिर ब्रेड है, फिर कुक, ये जो है ना, बाकी जो बेकरी आइटम्स है, चॉकलेट्स है, ये सभी हमारे विषाणु हैं, ये जहर है हमारे लिए, मगर हमको क्या अच्छा लगता है, हम खाते रहते हैं। आपने भी क्या करना है, ये हर जगह रखना है कि मुझे जो स्वास्थ्य मिला है, उसका उपहार जो है वो मुझे जीवित रखता है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीप्स मी अलाइव। तो ये हो गया पहला पार्ट। नाउ हम जाएंगे सेकंड पार्ट की तरफ, ये अपने को ये करने का है, और सेकंड पार्ट करना है, सेकंड जो है वो है कृतज्ञता संपन्नता है शिकायत विपन्नता है। सी यू विल बी प्रॉस्परस, आपके पास में बहुत धन आएगा, आपके पास में बहुत पैसा आएगा, जब आप कृतज्ञ हो। हाँ, जब आप कृतज्ञ हो, जब आप ग्रेटफुल हो, जब आप ग्रेटिट्यूड है आपके पास में, यू आर ग्रेटफुल टू योर मनी, यू विल गेट मोर एंड मोर मनी, यू विल बी मोर एंड मोर हैप्पियर इन योर लाइफ। हाँ, करना राइट। सो आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको क्या करना है कि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते, यू आर ग्रेटफुल टू वॉट एवर मनी यू गॉट इन द पास्ट, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा, आपको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, और सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। आपको जो भी पैसा अभी तक मिला है, उसके लिए जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए, एक अपने डॉलर का नोट लेने का है, एक 10 रुपए का नोट लो, 20 रुपए का नोट लो, 50 का नोट लो, जो भी आपके पास में नोट है, वो एक आपने नोट लेने का है, और उसके ऊपर एक स्टिकर चिपकाने का है, स्टिकर चिपकाने का है, और उसमें लिखा है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए मैं सचमुच कृतज्ञ हूं, ये आपको उसके ऊपर लिखना है। तो फिर आप पूछेंगे, मेरे को कहां से धन मिल रहा है, उसे कहां से धन मिलता है, तो फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि आपको धन कहां से मिलता है। देखो, आपको धन बहुत जगह से मिलता है। देखिए, आपको कपड़े मिलते हैं, तो कपड़े पैसे से आते हैं, तो आपको भले ही पैसा नहीं मिला मगर कपड़े मिले, इसका मतलब आपको इनडायरेक्टली धन मिला हुआ है। आपको खाने के लिए अनाज फूड मिल रहा है घर में, आपको भले ही धन नहीं मिल रहा है मगर खाना मिल रहा है, तो आपको धन ही मिल रहा है। आपको कोई गिफ्ट देता है, कोई आपके पास, आपके तरफ कोई मेहमान आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, वो आपको कोई नोट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो आपको धन मिल जाता है। काफी सारे जगह से आपको धन आ सकता है, कभी आपको कहीं डिस्काउंट मिल जाता है ना, कुछ आप कहीं जाते हैं आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो आपको धन नहीं मिली है। तो आपको ये देखना है कि आपको कहां कहां से धन अभी तक मिला हुआ है, पास्ट में, अतीत में,
तो जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले है, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, है ना, लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट इट और यू आर टॉकिंग अबाउट इट, तो स्वयं से पढ़े क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं। आपको पूछना है कि एम आई गोइंग टू प्रे द प्राइस फॉर दैट आई एम कंप्लेनिंग। सी द लास्ट स्लाइड सेज दैट आप यदि कंप्लेन करते हो, इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी यू विल बी पुअरर, इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी, बट इफ यू आर ग्रेटफुल अबाउट मनी यू विल बी प्रॉस्परस। सो यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट मनी। अब कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं, देखो क्या मैं शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं, एम आई गोइंग टू पे द प्राइस फॉर दिस कंप्लेंट। यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देंगी। वन कंप्लेंट अबाउट मनी, वन कंप्लेंट अबाउट मनी, द मनी विच कम्स टू यू इट विल स्लो डाउन। आपके पास वो धन आएगा नहीं, वो रोक देगी। आज से खुदा से वादा करो, खुद से वादा करो, भगवान से वादा करो, खुद से वादा करो कि आपको कहीं से भी पैसा मिले, कहीं से भी आपको पैसा मिल रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई आपको बख्शीश दे रहा है, कोई आपको डिस्काउंट दे रहा है, कोई आपको चॉकलेट दे रहा है। अभी समझो किसने चॉकलेट भी दिया, आपके फ्रेंड ने आपको चॉकलेट भी दिया, नाउ यू आर गेटिंग दैट एज अ मनी बिकॉज लाइक डायरेक्टली यू वुड हैव अदरवाइज स्पेंड फॉर दैट चॉकलेट, नाउ ही इज गिविंग यू फ्री, सो इट्स अ गिफ्ट, सो यू हैव अर्नड मनी। सो व्हाटएवर यू आर अर्निंग इन टर्म्स ऑफ कैश और काइंड और इन एनी फॉर्म एनी पार्ट एनीथिंग यू नो एनी सब्सटेंस, सो दैट यू शुड बी थैंकफुल टू दैट पर्टिकुलर थिंग। सो चाहे वो टैक्स रिफंड भी हो, चाहे आपको उपहार में मिली चीज हो, जो भी आपको खरीदने के लिए पैसा मिलता है तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ हो। आप यदि कृतज्ञ होते रहते हैं, आप हरदम हैप्पी रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, तो आपको डेफिनेटली मालूम पड़ेगा कि आप एक अलग मूड में जाएंगे, अलग स्टेट में जाएंगे एंड यू आर हैप्पी अबाउट एवरीथिंग। सो वॉट एवर यू आर गेटिंग, से आपको किताबें मिली, आपको बैग मिली, आपको पेन मिला, आपको पेंसिल मिली, सी यू आर अर्निंग दैट, यू आर अर्निंग दैट। हाउ? योर पेरेंट्स आर गिविंग दैट, आपको पेरेंट्स आपको ये दे रहे हैं और यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू दैट। आपके रिलेशनशिप जो है उसको आपने धन्यवाद देना है, वो रिलेशनशिप्स आपके बहुत मजबूत होना चाहिए और रिलेशनशिप अच्छी रहे तो आपको हैप्पीनेस मिलता है, आप हैप्पी रहे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके पास में बहुत पैसा भी आएगा। और पैसा मतलब आपको डायरेक्टली पैसे की जरूरत भी नहीं है, आप सब बच्चे हो, पैसे की आपको एक पैसे की जरूरत नहीं, एक नए पैसे की, मगर आपके पास में जो आ रहा है वो इनडायरेक्टली पैसा ही आ रहा है। एंड इफ यू आर थैंकफुल टू, यू आर ग्रेटफुल टू वॉट एवर मनी विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कमिंग टू यू एंड यू आर थैंकफुल टू दैट, यू गेट मोर एंड मोर एंड मोर इन योर लाइफ। अभी हम जाएंगे थर्ड पार्ट की तरफ एंड दैट इज जादू की तरह पढ़ाई करना। जादू की तरह पढ़ाई है। अब जादू की तरह पढ़ाई क्या है ये आपको बताता हूं मैं। क्या होता है कि हमको पढ़ाई करने में, हमको मतलब सभी को, मुझे भी, मैं जब था ना स्कूल में तो मुझे पढ़ाई करने के लिए बहुत जानते आते, पढ़ाई पढ़ाई का नाम लिया तो नहीं, पढ़ाई नहीं होना भाई, छुट्टी बोले तो बहुत मजा, छुट्टी बोले तो बहुत मजा करना है और धूमधाम करने की है, पिकनिक पे जाना है, इधर उधर बहुत मजा आता। मगर हम जब तक पढ़ाई के लिए शुक्रगुजार नहीं है, थैंकफुल नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है पढ़ाई के लिए, हम जो काम करते हैं उसके लिए, तो हमको जिंदगी में कुछ नहीं मिल सकता है। आपकी योग्यता बढ़ाना है तो आपको पढ़ाई के बारे में आपको बहुत ज्यादा कृतज्ञ होना पड़ेगा, ग्रेटफुल होना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड आपको एक्सप्रेस करनी पड़ेगी कि आप पढ़ रहे हो। जो भी आप सफलता पाना चाहते हैं आपकी जिंदगी में तो आपको ग्रेटफुल होना जरूरी है, आपको उसके प्रति प्यार होना जरूरी है। तो पढ़ाई मतलब एक काम करना करके काम नहीं करना है। जान पे आ रहा है मम्मी, डैडी बहुत जान पे आ रहा है, नींद आ रही है और मुझे भी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। इफ यू आर वेरी थैंकफुल टू योर स्टडीज, जो आप काम कर रहे हो, जो भी आपने अभी तक ज्ञान प्राप्त किया है उसके लिए आप थैंकफुल हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आएंगे। जादू की तरह काम करना है, पढ़ाई में जादू की तरह आपको काम करना है। आपने किसी भी अपनी गतिविधि हो, एनी वर्क यू आर डूइंग, यानी आर्ट हो, यानी एजुकेशन है, कोई भी योग्यता आप ले लो, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाए, उसको इतना आगे तक ले जाने का, उसमें इतना एक्सलेंस करने का है,
जहां तक यह पहले कभी नहीं गए थे आप, है ना, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए विवश कर देते। टॉम रॉबिन्स ने कहा है, मतलब आप जो भी कर रहे हो उतना करो, इतना करो, इतना करो कि इतना एक्सेल करो कि उसको भी शर्म आ जाएगी, पढ़ाई को भी शर्म आ जाएंगी कि इतना कर रहा है, अभी मुझे तो उसको देना ही पड़ेगा कुछ ना। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपने नौकरी में, अपने कारोबार में, प्रमोशन में, अपने धन में, जबरदस्त विचार, प्रेरणा, प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना देना चाहते हैं, तो अपनी पढ़ाई हो, अपनी नौकरी हो, अपना कारोबार हो, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना अनिवार्य है। आपको बहुत ग्रेटफुल होना है, बहुत ही ग्रेटफुल होना है, ठीक है ना। देखो मैं टेंथ क्लास में था, आई वॉज इन द टेंथ स्टैंडर्ड, एंड अगेन द सेम थिंग हैपन्ड कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार उस समय भी आया था, टेंथ स्टैंडर्ड में था मैं, और उस समय क्या हो गया कि इफ वी गेट 60% मार्क्स इन टेंथ स्टैंडर्ड, 60% यदि मार्क मिलते हैं 60% इन दोज डेज 1970 आई एम टॉकिंग अबाउट 1970, 60% मीन्स वी वुड गेट 1% मोर इन मेडिकल एडमिशन, इफ आई गेट 60% और मोर। बुखार है, डॉक्टर बोले भी जाने का नहीं एग्जाम, बोला नहीं मैं तो एग्जाम में जाऊंगा। तो आई स्टार्टेड सेइंग थैंकफुल टू माय हेल्थ, आई स्टार्टेड सेइंग थैंकफुल टू माय स्टडीज, मतलब मुझे अभी स्टडी नहीं हो रही है, अभी मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, कल मेरी एग्जाम है, और एग्जाम में मैं पता नहीं अभी तक जो मैंने पढ़ाई की है, साल भर मैंने पढ़ाई की है, आई एम ग्रेटफुल टू माय स्टडीज, आई एम थैंकफुल टू माय स्टडीज, जो भी मैंने पढ़ाया मुझे याद आएगा, जो भी मैं उसे पढ़ाया मैं एग्जाम अच्छी दे पाऊंगा, आई वाज थैंकफुल टू दैट, जो भी मुझे नॉलेज आया वाज थैंकफुल टू दैट, मैं एग्जाम को गया एंड आई स्कोर 72% इन द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स एंड आई वाज इन द मेरिट लिस्ट। सो दोज 60% मींस अ लॉट, 72% मींस अ लॉट, है ना। तो इस तरह ये हो सकता है वो आपके जीवन में मैजिक कॉज करेगा। आप जो भी काम करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए, आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए, आप अपने मम्मी को मदद कर रहे हैं, डैडी को मदद कर रहे हैं काम में तो उसके लिए, आप अपने ब्रदर को मदद कर रहे हैं तो उसके लिए, आप होमवर्क कर रहे थे तब, जब भी है तब आप यदि उसके लिए थैंकफुल रहते हैं, अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा जो आपके पास में पहले से ही है। तो आपके पास में जो भी पहले से नॉलेज है वो नॉलेज के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा, जो भी आपको ज्ञान है वो ज्ञान के लिए, जो भी एजुकेशन है उसके लिए, जो भी आपके टीचर्स, आपको टीचर्स के प्रति आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, इतनी अच्छी पढ़ाई आपको सिखाते हैं वो, हम स्कूल में जाते हैं इतना अच्छा पढ़ाते हैं, उनके लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, आपके बुक्स के लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आपके आपके बुक्स है, आपके नोटबुक है, वो जो है वो आपको पढ़ाई करने के लिए मदद करते हैं, क्योंकि बुक्स ने, देखो आप कल्पना करो कि आपके पास में बुक्स हैं तो आप क्या कर रहे, आपके पास में नोटबुक ने तो आप क्या कर रहे, आपके पास में पेन पेंसिल ने तो क्या कर रहे, आपके पास में टीचर ही नहीं है, आप स्कूल में जाते और टीचर नहीं है वहां, तो फिर क्या करते, टीचर ही नहीं है सिखाने के लिए, तो कौन सिखाता आपको, कहां से सीखते थे। तो आपको टीचर के लिए थैंकफुल होना चाहिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपके स्कूल के लिए, कि आपके पास में वहां स्कूल ही नहीं रहती, कार्मेल स्कूल रहती नहीं थी वहां, देयर इज नो स्कूल, कार्मेल नहीं और कोई भी स्कूल नहीं, आप किसको धन्यवाद देते थे, किसको कहां जाके पढ़ाई करते थे। आपको ये देखना है कि भाई आपको ये थैंकफुलनेस टू दैट ऑल्सो, कि भाई हमको उसको थैंकफुल होना पड़ेगा जो भी पढ़ाई के बारे में। और ऐसा बोला जाता है कि आप पढ़ाई में रुचि करना चालू करो, रुचि लेना चालू करो, जितने आप रुचि लेना चालू करेंगे, इंटरेस्ट लेना चालू करेंगे, और ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट आना चालू हो जाएंगे, आप थैंकफुल होना चालू करेंगे, थैंकफुल और ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट आना चालू करेंगे। हम क्या करते हैं, ये मुझे याद नहीं, ये मुझे याद नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ओके जो भी आ रहा है समझ में आई एम थैंकफुल टू दैट, जो भी मुझे समझ में आ रहा है आई एम ग्रेटफुल टू दैट। तो आप जो भी आ रहा है, जो भी समझ रहा है, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो, आपको और ज्यादा ज्यादा मिल जाएगा। क्या है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत जान पे आ रहा है, ऐसा करके पढ़ाई को बैठना, और बहुत आई एम थैंकफुल टू व्हाट एवर आई नो, आई एम थैंकफुल टू माय सर, आई एम थैंकफुल टू माय मैडम, ठीक है ना। तो वो उनको थैंकफुल करने का है, यस। तो आपको क्या करना है कि जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समर्थ होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए या पढ़ाई के लिए नहीं है,
उसके पास जो भी है वो उससे लिया जाएगा। तो आपको जो भी पढ़ाई है वो पढ़ाई आपके पास में, जो भी आपने पढ़ाई की है, इफ यू आर इन द कंप्लेनिंग मोड विल फॉरगेट एवरीथिंग। सो डोंट बी इन अ कंप्लेनिंग मोड इन योर स्टडीज, इन योर पढ़ाई, इन योर स्कूल। कभी भी कंप्लेंट मोड में रहने का नहीं है, ठीक है ना? नो कंप्लेंट्स। यदि आप अपने कारोबार के मालिक है ना, आप यार यू आर ओनिंग योर स्टडीज, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक ग्रेटफुल है, कृतज्ञ है, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जितने भी आप, सी यू शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द प्यून हु इज स्टैंडिंग आउट देयर ऑन द डोर, ऑन द गेट, ही इज ओपनिंग द गेट फॉर यू। वहां ऑफिस में आप जाते हो स्कूल के, वहां क्लर्क्स रहते हैं, वो ऑफिसर्स रहते हैं, वो आपको मदद करते हैं, उसके लिए आपको थैंकफुल। जो आपको फीस देनी पड़ती है स्कूल में, उसके लिए, वो पैसे के लिए आपको धन्यवाद। आपके फीस आपके पेरेंट्स भरते हैं, उसके लिए आपको पेरेंट्स का धन्यवाद देने का है, और वो मनी का धन्यवाद देने का है। जो मनी आप स्कूल को पेमेंट देते हैं और उसकी वजह से आप पढ़ाई करते हो, तो उसको भी आपने धन्यवाद देने का है। तो ये सब जहां जहां आप करोगे, जहां जहां आप जाओगे, स्कूल में जाओगे, तो आपको पढ़ाई पढ़ाई रहो, स्कूल की फीस रहो, स्कूल के टीचर्स रहो, प्रिंसिपल रहो, गेट कीपर रहो, स्कूल की बिल्डिंग रहो, या आपका बैग रहो, स्कूल बैग, या आप जो बस से जाते हो स्कूल में, आप जो व्हीकल से जाते हो स्कूल में, उसको धन्यवाद। जिसके लिए भी आप धन्यवाद देते हो, वो आपको पढ़ाई में आगे आगे बढ़ाने के लिए लेके जाएगा। और जैसा भी आपको मैंने बताया कि आप यदि आपका फोकस आपके गोल के ऊपर रखते हैं, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। देखो, मैं जब सिक्स स्टैंडर्ड में तो मैंने मेरा गोल पक्का किया सिक्स स्टैंडर्ड में कि आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, MBBS डॉक्टर। छठवीं क्लास में क्या हो गया कि जब छठवीं क्लास में मैंने मेरा गोल पक्का किया, तो मुझे किसी ने बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि पढ़ाई करो कर, क्योंकि मैंने गोल पक्का कर लिया था। मुझे बोलते थे पढ़ाई मत करो, बोलता नहीं नहीं मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को डॉक्टर बनने का, मुझे डॉक्टर बनने का। तो यदि आपके सामने बहुत बड़ा गोल है, यदि आपके सामने बहुत बड़ा टारगेट है, आपका वो गोल फिक्स है, आप उसके ऊपर फोकस्ड है, तो यदि मैंने जो बताया ना आपको परसों की 10 गोल्स आपके फिक्स करो, 10 डिजायर्स, उसमें ये लिखो आपको बनना क्या है। आपको कभी भी पढ़ाई में टेंशन नहीं आएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि याद नहीं आ रहा है, कभी एग्जाम के बारे में टेंशन नहीं आएगा, पढ़ाई में आपको रुचि आएंगी, इंटरेस्ट आएगा। तो आपको ये करना है, पढ़ाई के बारे में हरदम ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है, और पढ़ाई है करके आप है। ऐसा बोला जाता है कि पढ़ाई जो है ना, ये शेरनी का, मतलब एजुकेशन जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि पढ़ाई जो है ना वो शेरनी का दूध है। शेरनी का दूध मतलब आप पढ़ाई करते हो तो शेरनी का दूध पीते हो, इतने पावरफुल बन जाते हो आप। तो ये पावरफुल आपको बनने का है, तो आपको बहुत ग्रेटफुल होना पड़ेगा पढ़ाई के बारे में। आप जो भी काम करते हो, फिर घर में आप मम्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर प्यार करो। मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं इतना काम करो, तो नहीं नहीं चिल्लाना, रोना, कंप्लेंट करना, मुझे क्यों काम करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा बोलना, उसमें कंप्लेंट करते रहना, कंप्लेनिंग मोड में रहना, तो वो आपको ज्यादा ज्यादा उससे दूर भगाएगा। आप अनग्रेटफुल होंगे तो आप अच्छे होंगे नहीं, आपकी बढ़ोतरी होंगी नहीं। तो अभी आपको मैं पढ़ता हूँ कि आपको अभी असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये आपको क्या क्या करना है। नंबर वन, अपनी नियामतें गिने, मतलब ब्लेसिंग्स, यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। सो 10 ब्लेसिंग्स यू हैव टू राइट, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स। 3 बार वो दोहराने का है कि आप उसके लिए कृतज्ञ क्यों हो, है ना, 1 से 3 तक, ठीक है, 1 से 3 तक के कदम दोहराए, मतलब कौन से 1 से 3 तक के बार बार आपको दोहराने का है। फिर आपको क्या करना है, वो लिस्ट दोबारा पढ़ने के, 10 की लिस्ट, कि धन्यवाद 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 उसको बोलना है, पढ़ना है और धन्यवाद 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 बोलना है। कागज या कार्ड पर शब्द लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, वो लिखो, है ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ गिव्स मी अलाइव। इसे लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर लिखे रख ले जहां आपके इस बार बार देखने की अधिकतम संभावना है, जहां जहां आप विजिट करते हो यहां यहां लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ गिव्स मी अलाइव। कम से कम 4 बार 4 अवसर पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़े और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें।
धीरे 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 पढ़ने का है, चार बार पढ़ने का है, जहां जहां आप विजिट करते हो वहां वहां रखने का है अपने हेल्थ के लिए, ठीक है ना। फिर सोने से पहले आपका जादुई फत्तर जो है, सोने से पहले जादुई फत्तर उसमें हाथ में ले, और जो भी आपने किया हुआ है, जो भी आपका अच्छा काम हुआ है दिन भर में, तो वो काम जो है वो काम के बारे में याद करे, जादुई फत्तर हाथ में ले। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट, मतलब डोंट अटैच एनी अंधश्रद्धा, उसको अंधश्रद्धा ब्लाइंड फेथ अटैच करने का नहीं है, वो एक एंकर है, वो फत्तर में कोई जादू नहीं है, वो एक एंकर है कि आप हाथ में लेते हो, जो भी अच्छा काम आपने दिन भर किया उसको याद करते हो, सबसे बेस्ट जो काम किया उसको याद करते हो और अपने आप को धन्यवाद देते हो और वो काम को धन्यवाद देते हो, ठीक है। फिर बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचिए, पूरे बचपन के बारे में, कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए मिल गई थी, कितनी सारी चीजें आपको बिना पैसे की, आपको पैसा देना नहीं पड़ा, आपको फ्री में मिल रही है। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको ड्रेस मिल रहा है फ्री में, आपको बैग मिल रही है फ्री में, आपकी फीस, आपकी पेमेंट्स आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपको सब कुछ मिलते रहता है, सब कुछ आपको, आइसक्रीम मिलता है आपको, चॉकलेट मिलता है, आप जो मांगे वो मिल जाता है आपको, कार से, आपको बस से, या आपको व्हीकल से स्कूल में पहुंचाया जाता है, सब जो पैसा आपको मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके लिए आप धन्यवाद कहेंगे। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां के पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द, मैजिकल वर्ड थैंक यू बोले और महसूस करें। सिर्फ आपको पैरेटिंग नहीं करना है, थैंक यू बोलना और महसूस करना है। एक नोट लेना है, उसके ऊपर स्टिकर चिपका दो और उसके लिए लिखो कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद, जो मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अपने जादुई नोट को अपने साथ में रखे और कम से कम एक बार सुबह, एक बार दोपहर को उसको देखते जाइए और बाहर निकाले और उस नोट को बाहर निकालने के आपके हाथ में रखे, थामे और वो शब्द को पढ़े कि जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच मैं कृतज्ञ हूं, ठीक है ना। आज के बाद अपना जादुई नोट इस ऐसे स्थान पर रखे जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद, वो नोट आपको ऐसी जगह रखना है जहां बार बार आप जाते। आज रात सोने के पहले, फिर से वो पत्र का मैंने बताया, आज ऑफिस में काम करने के लिए, पढ़ाई कर रहे हो, जहां भी आप हो, है ना, कल्पना करें कि एक एक अदृश्य मैनेजर आपको, एक अभी ये दे रहा हूं आपको, क्या करना है अभी, आपको एक अदृश्य मैनेजर आपके पास में कोई तो भी एक है, एक व्यक्ति है, वो आपका पीछा कर रहा है, समझे, एक व्यक्ति आपको पीछा कर रहा है। जब आप जब भी आप ग्रेटफुल है कोई भी चीज के लिए आपको खोजना है आज दिन, कि मैं ग्रेटफुल काय के लिए रह सकता हूँ, कहाँ मैं थैंक यू बोल सकता हूँ, कहाँ मैं मन से आप किसी को थैंक यू बोल सकता हूँ, वो देखना है और उसको बोलना है, मैनेजर को, वो वर्चुअल मैनेजर है, इज नॉट एक्चुअली द पर्सन हु इज अराउंड यू, वर्चुअल मैनेजर है और वो आपको लिख रहा है, आप जो बोल रहे हैं थैंक यू जो बोल रहे वो लिख रहा है, यहाँ भी आप थैंक यू बोल रहे लिख रहा है। मम्मी ने आपको दूध दिया, ऑमलेट दिया, कोई ब्रेकफास्ट दिया, पोहा दिया, आप थैंक यू बोल रहे हो, वो लिख रहा है कि आपने मम्मी को थैंक यू बोला, डैडी को आपने थैंक यू बोला, चलो लिखना है, टीचर को थैंक यू बोला लिखना है, आपने मोबाइल को थैंक यू बोला कि मोबाइल की वजह से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने वाईफाई की वजह से पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल डाटा है उसकी वजह से थैंक यू, जहां जहां आप थैंक यू बोल रहे हैं सब जगह आप थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, अंदर से महसूस करेंगे और वो लिख रहा है ना। तो ऐसा आप एक अदृश्य मैनेजर है, कल्पना करो, और वो आपको फॉलो कर रहा है और वो बार 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 लिख रहा है।